काफी इंतजार के बाद उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को खोल दिया गया है, जिसके बाद अब उसमें टूरिस्ट पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में जानवरों के व्यवहार को लेकर भी कुछ लोग शिकार हो रहे हैं। मुरादाबाद के वरिष्ठ फोटोग्राफर AR रहमान ने वहां पहुंचकर इस बात की जानकारी ली कि जानवरों द्वारा ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, जिसके बाद AR रहमान का ये कहना है कि 8 महीने तक वो इंसानों से दूर रहे, जिसके बाद उनका व्यवहार कुछ चेंज हो चुका है, क्योंकि 8 महीने के बाद उन्होंने इंसानों को देखा है और जिसके बाद उनके अंदर चिड़चिड़ापन हो चुका है। अब ऐसे में सभी लोग सहयोग करें और जानवरों के साथ कुछ ऐसा व्यवहार ना करें जिससे कोई समस्या खड़ी हो। महामारी के दौरान भारत सरकार द्वारा सभी संस्थानों को खोलने के लिए धीरे धीरे काम किया जा रहा है। यहाँ तक आप सभी देशवासियों को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने के साथ साथ टूरिस्ट स्थलों पर भी जाने के लिए अब कोई पाबंदी नहीं है। उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर हर कोई व्यक्ति जाना पसंद करता है। लगभग 8 महीने के बाद उत्तराखंड के ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क खुल चुका है, जिसके बाद सभी लोग जानवरों को देखने के साथ वहाँ के मौसम का मजा लेने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। 8 महीने से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जानवर एकदम इंसानों को देखकर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। यही नजारा कुछ छायाकारों को देखने को मिला। मुरादाबाद के वरिष्ठ छायाकार एवं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर AR रहमान लगातार जंगलों में पहुंचकर जानवरों के चित्र खींचकर समाज में जागरूकता का संदेश देने का काम करते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क खुलने के बाद पहली बार पार्क पहुंचे, जहां पर मौसम भी बदलता हुआ दिखाई दिया और जानवर भी जंगल में दिखाई दिए। जैसे ही AR रहमान ने अपने कैमरा जानवरों के सामने रखा तो जानवर उनका पीछा करने लगे। ऐसे में AR रहमान ने उस जानने का प्रयास किया जो जानवर शांत रहते थे, आखिरकार वो एक तरह से इनके ज्यादा परेशान क्यों हुए। जानकारी प्राप्त करने के लिए AR रहमान ने 2 दिन जंगलों में बिताए, जिसके बाद ये पता लगा कि 8 महीने तक पार्क बंद था, जिसके बाद जानवर इंसानों से दूर थे, लेकिन काफी समय के बाद जब पार्क खुला तो एकदम इंसानों को देखकर जानवर अपना को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे थे। यही बात सामने आई। AR रहमान का कहना है कि हमें जानवरों से डरना नहीं है, उनसे दोस्ती करनी है। हमारे देश की ये धरोहर है, इनको संभाल के रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। पत्रकारों से बात करते हुए AR रहमान ने कहा, हम सबका एक ही मकसद होना चाहिए, देश की धरोहर को बचाएं और जंगलों को बचाने के लिए भी अपना योगदान दें। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो 8 महीने बाद खुला है लॉकडाउन के कारण, और हम जो है 15 अक्टूबर से खुल जाता है। हम 17 अक्टूबर में गए थे वहाँ। एक दिन पहले हमने सुना था कि वहाँ पे हाथी जो हैं लोगों पर हमला कर रहा है, जो टूरिस्ट घूमने आते हैं और उन पर हमला कर रहा है, तो हमने इसको जानने के लिए उसके दूसरे दिन निर्णय लिया कि हमें वहाँ जाके समझना चाहिए कि हाथी आखिर हमला क्यों कर रहा है। हमने वहाँ एक दिन तो फोटोग्राफरी के लिए निकाला, फोटोग्राफरी की, तो हमें लगा वो हाथी हम पर भी हमला कर रहा है। तो हम शाम को बड़े बेचैन रहे, लोगों से बात की, भाई ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि हमें भी लमसम 8-9 साल हो चुके हैं इससे जुड़े हुए वाइल्ड लाइफ से। तो हमने जानने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा लोग जो माइंडेड हैं या इसको समझ सकते हैं, तो उनसे बातचीत हुई। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिखा ना कि 8 महीने बाद अगर जानवर बिल्कुल सुरक्षित था, 8 महीने के अंदर अगर वो किसी को बाहर के व्यक्ति को या इंसान को देख रहा है तो वो डर रहा है, क्योंकि उनके साथ हाथियों के साथ बच्चे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि गाड़ियों के आन जान से या इंसान उनकी तरफ, आजकल तो वो मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, तो वो डर रहे हैं क्या, इसलिए कि शायद हो सकता है उनके बच्चे को कुछ मतलब हादसा ना कर दे कोई इंसान, तो इसलिए वो 3 हथनी हैं, मैंने देखा उनकी गिनती करी, हाथी तो बहुत सारे हैं, 3 हथनियाँ जो हैं उनकी तरफ मतलब हम लोगों की तरफ मतलब गुस्सा दिखा रहे हैं कि आप लोग यहाँ नहीं आए। तो माना जाए कि जो 3-8 महीने बंद था उसके बाद अब जानवर जो है वो इंसानों से थोड़ा दूर हो रहा है, डर रहा है। तो हमें बस सबसे अपील ये भी करनी है कि जो भी लोग घूमने जाएं, वैसे वाइल्ड लाइफ और जो भी हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं फोटोग्राफरी के दौरान भी और घूमने के दौरान भी, कि उनको डिस्टर्ब नहीं करते। जो और लोग जैसे कि घूमने जाते हैं टूरिस्ट लोग, उनसे मेरी ये अपील है कि अगर आप जाएं जंगल तो उनसे दूरी बना के रखें, ताकि वो 1 महीने के अंदर उनको, अगर हम लोग 1 महीने तक कंटिन्यू जाते रहे जंगल तो उनको आदत भी पड़ जाएगी और फिर वो हमला भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कोई लोग जाना चाहे जिम कॉर्बेट पार्क जाना चाहे तो क्या-क्या उसकी रूपरेखा है और कैसे जाएगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे पहले ऑनलाइन का सिस्टम होता है, ऑनलाइन बुकिंग कराई जाती है और इतनी जल्दी उसमें नंबर भी नहीं आता। अलग अलग जोन है, ढिकाला है, बिजरानी है, झिन्ना है, ढेला है, सीतावनी है। सीतावनी तो आप ऐसे ही जा सकते हैं, बाकी हर जगह का आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। कुछ
पहले हो रहा था, पहले कोरोना की जांच हो रही थी, मगर अब जो है ऐसा कुछ सामने नहीं आया। और लोग मतलब फिर भी जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रशासन है बहुत अच्छी तरीके से देखभाल कर रहा है। अंदर जाने से पहले सैनिटाइज वगैरह हर चीज़, और वहाँ की साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, और मैं समझता हूँ प्रशासन का इससे अच्छा काम नहीं हो सकता।